आज हम वॉल्वो 9600 में इंटरनेशनल जर्नी करने वाले हैं फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। बस को आज ही इनॉग्रेट करा जा रहा है। अच्छा जी, फिलहाल हम है इंडिया के पानी टंकी में, आगे क्रॉस करेंगे मेची ब्रिज एंड पहुंच जाएंगे नेपाल। एक तरह से नेपाल आके ये चीज़ मैं पाप कर रहा हूँ। नेपाल में कहीं पे भी मैं रुका हूँ ये चटनी जरूर देते हैं। और खाने में क्या है तो बताओ। खाने में समोसे है, रोटी है, फ्राइड है। डीजल की जो प्राइस है वो है 148 रुपीज। अच्छा, बस की जो लाइटिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। आज है 6 जुलाई, आज है बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन। पीछे आप देख सकते हैं बस को जो है दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आज चालू होने जा रही है सिलीगुड़ी से काठमांडू के बीच वॉल्वो 9600। वॉल्वो 9600 अगर आपको नहीं पता, एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी बस है, यूरोपियन स्टाइल है एंड उसका जो है एक अलग लेवल का कम्फर्ट है। फिलहाल मैं हूँ तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड सिलीगुड़ी में एंड ये होने वाली है एक इंटरनेशनल बस जर्नी। अपन जाने वाले हैं सिलीगुड़ी से नेपाल की राजधानी काठमांडू। अब तक सिलीगुड़ी साइड से या वेस्ट बंगाल से सिर्फ टाटा या अशोक लेलैंड की बस ही नेपाल जाती थी, जिसमें मैं पिछले साल आया था। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट दिस बस इज रियली अ लग्जरी वन। इनॉग्रल है इस बस का तो ऑब्वियसली आपको वीडियो बांग्लादेश सीरीज के बीचों बीच मिल रहा है। इसके बाद जो है आप प्रोबेबली नेपाल की एक वीडियो देखोगे एंड वापस से रिज्यूम कर देंगे हम अपनी सीरीज। बस का चलने का टाइम है 2:03। टाइम देख लीजिए, 2:40 हो चुके हैं एंड गर्मी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर है 31 डिग्रीज, तो समझ जाइए। बाकी बस को जो है बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है। इनफैक्ट मैं सुबह आ गया था, उसके बाद ही जो है जो इंडिया के फ्लैग्स या जो नेपाल के फ्लैग्स है वो बस में लगाए गए। एक बार ही चलते हैं, बस को देख लेते हैं बाहर से। तो ये जी अपनी आज की बस वॉल्वो 9600, इस बस को ऑपरेट कर रहे ग्रीन लाइन सर्विसेज। सामने सबसे पहले देख सकते हैं कि फ्लावर्स लगे हैं, ये वाला तो मेरे को काफ़ी सही लग रहा है। एंड दिस बस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज। तो यहाँ पे जो इंडिया का फ्लैग है एंड यहाँ पे जो है नेपाल का फ्लैग लगा हुआ है। बाकी 9600 की लुक जो है अलग ही है। एज यू ऑल नो, वॉल्वो 9600 की पूरी सीरीज वॉल्वो BATR BS6 है। यहाँ पे जो है परमिट होल्डर NBSTC यानी नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, क्योंकि इंटरनेशनल बस यानी है यहाँ पे कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर आके चला नहीं सकता। बाकी जी, दिस इज इंडिया नेपाल इंटरनेशनल बस सर्विस। सिलीगुड़ी से काकरविट्टा होके काठमांडू जाएंगे। काकरविट्टा बेसिकली बॉर्डर है, अपन आज की जर्नी में पानी टंकी काकरविट्टा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। एंड ये रहा NBSTC का लोगो। ऑल्सो दिस इज अ रियर इंजन बस, तो सामने कोई नॉइज नहीं, कोई कुछ नहीं। वॉल्वो 9600 एंड यहाँ पे भी आप इंडिया और नेपाल के फ्लैग देख सकते हैं। ऊपर जो है लिखा हुआ है रूट सिलीगुड़ी काकरविट्टा काठमांडू। एकदम अच्छा, एकदम फ्रेश गाड़ी है एंड यहाँ से काठमांडू के लिए इसका फर्स्ट ट्रिप है। तो यहाँ पे आप वॉल्वो का डैशबोर्ड देख सकते हैं। 9600 का जो डैशबोर्ड है वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, एक अलग फील आता है पता है। और इस डैशबोर्ड को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ड्राइवर को मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू मिल सके। बेसिकली दिस बस इज डिज़ाइन फॉर ड्राइवर एंड सीट भी बहुत कम्फर्टेबल है। तो जी आ चुके हैं अपने बस में एंड सबसे पहले आप देख सकते हैं सीट्स बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। ये जो लाइट है ना ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगती है, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है वाली लाइट। अच्छा, तो इस बस में जो है आपको सेमी स्लीपर सीट्स मिल जाते हैं। ये जो है आपका लेग रेस्ट है, इसमें आप पैर ऐसे आराम से फैला के सो सकते हैं। सीट्स आपको बताइए काफ़ी कम्फर्टेबल है। दिया गया आपको एक ब्लैंकेट, यहाँ पर जो है आपके लिए बॉटल होल्डर है, यहाँ पर आपका मैगजीन होल्डर है। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी बस है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे है आपके लिए USB चार्जिंग पॉइंट, तो ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है मगर चार्जिंग के लिए जो है जितना भी है काम तो आएगा ना। ऑल्सो अगर आपके पास कुछ भी लगेज है बड़ा छोटा, तो आपको पता ही है वॉल्वो में है एम्पल ऑफ स्पेस लगेज रखने के लिए। अच्छा, डिपार्चर का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी चल रही है क्योंकि फर्स्ट डे आज। तो इन्फॉर्मेशन सारा दे देता हूँ। नेपाल क्रॉस करने के लिए आपको आधार कार्ड काफ़ी है, आपको पासपोर्ट वोटर आईडी की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आधार कार्ड पे चल रहा हूँ, पासपोर्ट मेरा घर में पड़ा है। पिछली बार मैं नेपाल पासपोर्ट लेके ही गया था एंड पिछली बार दिल्ली से जो है मेरे को 31 घंटे लगे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आज सफ़र काफ़ी ज़्यादा आरामदायक हो। डिटेल बता देता हूँ, यहाँ से बस चलेगी 2:03 सिलीगुड़ी के तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड से। सरकारी बस स्टैंड है, NBSTC का परमिट है तो यहीं से चलेगी। बाकी सुबह स्वयंभू पहुँचेगी काठमांडू के, आई थिंक सुबह के 7 या 8 बजे।
बाकी तो देखिए नेपाल के रास्ते, बारिश, लैंडस्लाइड, ट्रैफिक, इन सब चीज़ों पे भी निर्भर करता है कि अपन कब पहुँचे। जर्नी को जो शुरू करते हैं, इसका जो फेयर मैंने पे किया दैट इज़ 1750 रुपीज़ प्लस रेड बस ने 80-90 रुपये टैक्स भी लिया है। तो बुकिंग या तो आप डायरेक्टली कॉल करके काउंटर पे कर सकते हैं या फिर रेड बस तो आपके लिए है ही। यहाँ पे जो एक ग्रीन लाइन के टॉप मैनेजमेंट से वो सर है, वो भी सब पैसेंजर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर अपने फेसबुक पेज पे जो है डाल रहे हैं। अच्छा, जो पैसेंजर्स इस बस में काठमांडू जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे वेटिंग रूम है, लिखा हुआ है NBSTC काठमांडू पैसेंजर वेटिंग रूम। तो अगर बस से पहले आ गए मेरे जैसे तो आराम से जो यहाँ पे बैठ सकते हैं। शुभकाम से पहले कुछ मुंह मीठा हो जाए तो यहाँ पे उन्होंने लड्डू खिलाए, एंड आई गेस अंदर भी बहुत कुछ अरेंजमेंट्स है। दोपहर के 3:15 हो गए, जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, दोपहर के 3:15 हो रहे हैं। फिलहाल हम सिलीगुड़ी के तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड से निकल गए। बता दूं आपको, यहाँ से लगभग हम 520 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। काठमांडू तक समय लगेगा 17 घंटे के आसपास। यहाँ से जाएंगे काकरवेट्टा बॉर्डर, यहाँ से लगभग काकरवेट्टा 30 किलोमीटर है। फिर काकरवेट्टा पे जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, आप ID चेकिंग बोलिए, आप कस्टम्स बोलिए, आप करेंसी एक्सचेंज बोलिए, आप सिम बोलिए, सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा जी, अपना रूट हो जाएगा वाया काकरवेट्टा, इटाहारी, मिथिला, चंद्रपुर, भरतपुर, मुगलिंग, बेनीघाट और नौबी से होके काठमांडू। और वॉल्वो 9600 को जो है नेपाल के तंग रास्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं यहाँ पे लास्ट में आके बैठ चुका हूँ और वॉल्वो में फर्स्ट से लेके सेकेंड लास्ट रो मैं कभी भी बुक कर सकता हूँ, लेकिन वही अगर लेलैंड हो या कोई और बस हो तब मैं एक बार सोचूंगा कि यार कैसी रहेगी जर्नी। पीछे जो है ना, आप दूसरी बस लेंगे तो ऐसे ऐसे जो है उछलते रहेंगे पूरे रास्ते, मगर इस गाड़ी में जो है वो चीज़ नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। एक्चुअली क्या हो ना, आज मैं सुबह निकला अपने घर से 6 बजे के आसपास, निकल के जा रहा था एयरपोर्ट, फिर वहाँ से मैं गुवाहाटी जाता है, आगे आपके लिए एक नॉर्थ ईस्ट सीरीज शूट करता। दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि सुबह जस्ट मैं कैब में बैठा, मैंने OTP दिया भैया को, उन्होंने राइड स्टार्ट करी, तुरंत 2 मिनट बाद मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट अब शाम को 6 बजे जाएगी। तो मेरा तो दिमाग हट गया कि ऐसे जो है मैं कैसे शिलोंग पहुँचूंगा, फिर कैसे जो है कल की बुकिंग करूंगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, कहीं और चलते हैं। फिर मैं हर जगह की फ़्लाइट देखने लग गया, दिमापुर बोलिए, ऐजवाल बोलिए, फिर शिलचर बोलिए, शिलोंग बोलिए, इन दी एंड मेरे को सिलीगुड़ी की फ़्लाइट सबसे सस्ती मिली 2500 रुपये की। और कल मेरे को रात को पता चल गया था कि आज सर्विस चालू होने वाली है, मगर मैं जाने नहीं वाला था क्योंकि बरसात का मौसम है और जब नेपाल जाऊंगा तब सब कुछ कवर करके आऊंगा। बट खैर, किस्मत है, अगर कोई चीज़ तैर होना पहले से तो आप चाह के भी उसको बदल नहीं सकते। अच्छा, सिलीगुड़ी बोलते ही मेरे को जो पहली चीज़ याद आती है वो है टी गार्डन्स। तो उसी टी गार्डन्स के बीचों से हम जा रहे हैं। अच्छा, शाम के 4:15 बज रहे हैं, मात्र 1 घंटे में हम पहुंच चुके हैं काकरवेट्टा बॉर्डर। फिलहाल हम हैं इंडिया के पानी टंकी में, आगे क्रॉस करेंगे मेची ब्रिज एंड पहुंच जाएंगे नेपाल। यहाँ पे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं एंड आधार कार्ड काफ़ी है नेपाल आने के लिए। तो टूरिज्म के पर्पस से अगर आपको बहुत ही सस्ते में इंटरनेशनल ट्रिप करना है तो नेपाल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे जी हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई, अब बढ़ते हैं नेपाल की ओर। और चलिए जी, वेलकम टू नेपाल। अच्छा जी, तो पहुंच चुके हैं यहाँ पे नेपाल कस्टम्स पे, यहाँ पे लगेज वगैज की चेकिंग चल रही है और कस्टम्स बेसिकली ये इंश्योर करती है कि आप एक देश से दूसरे देश गलत कुछ लेके नहीं जा रहे। मान लीजिए कि नेपाल में कोई चीज़ अलाउ नहीं है या फिर किसी चीज़ पे ज़्यादा टैक्स आप इलीगली लेके जा रहे हैं,
तो उन चीज़ों को एंश्योर करने के लिए कस्टम्स है, उनको अगर संदिग्ध कोई चीज़ दिखती है तो वो आपको गाड़ी से बुलाएंगे, वरना यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ यही हुआ और बाकी जो है यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं है कि सिम एक्सचेंज करूँ या करेंसी कर लूँ। और नेपाल में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे आपको सिम कार्ड, मनी एक्सचेंज सब कुछ मिल जाएगा। और बस का पहला दिन है तो काफ़ी लोग फोटो वीडियो ले रहे हैं। बाकी अगर टोटो में आते हो तो यहाँ पर टैक्सी वैक्सी भी है जो कि आपको सीधा यहाँ से काठमांडू लेके जाएगी। एंड मनी एक्सचेंजर वैक्सचेंजर बहुत है यहाँ पे, रेट जो है प्रोबेबली 1.6 है, मतलब आप 100 रुपये इंडियन देते हो तो 160 रुपये नेपाली मिलेंगे। नेपाल में घुसने के बाद भी नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं, जब तक शाम नहीं हो जाती आप जर्नी को एंजॉय करिए। बस में जो है आपको एक 500 ml पानी की बोतल मिल जाती है, तो सर्विस तो कहना कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। दोनों तरफ देखिएगा इस कितना ज्यादा सही नजारा है, बहुत ही मजा आ रहा है इस वाले रोड में क्रूज करने को। शाम के 5:22 हो रहे हैं एंड दिस इज नेपाल टाइम। नेपाल टाइम है इंडिया के 15 मिनट आगे, यानी इंडिया में अभी टाइम हो रहा होगा 5:07। तो अभी हम पहुंचे हैं बिरता मोर बस पार्क। नेपाल में सभी बस स्टैंड को बस पार्क ही बोलते हैं। एंड बस स्टैंड सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। गाड़ियों के लिए जो अलग बना हुआ है, बसों के लिए जो है अलग से बना हुआ है, और सब जो है एक ही चीज़ को देख के शौक हो रहे हैं कि बस जो है अपने आप ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ पहले नहीं देखा। यही तो है वॉल्वो की खूबसूरती। और सिम की बात करें और पैसे की बात करें तो मैंने दोनों नहीं करवाया, रीज़न कि मैं कल भद्रापुर आऊँगा और फिर जो है निकल जाऊँगा वापस इंडिया के लिए। क्लासिक गाने चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये मज़ा तब तक ही आएगा जब तक कॉपीराइट ना आए। बस पर अभी हम पहुंचे हैं दमक बस पार्क। और हर जगह जो है बस इसलिए आ रही है क्योंकि पहला दिन है, यहाँ रेगुलर रन पे जो ये नहीं होगा जब तक पैसेंजर ना हो। तो काठमांडू अगर आपको जाना है तो यहाँ से बोर्डिंग भी होता है, मतलब नॉर्मल बस के हिसाब से कंफर्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें बैठ के यहाँ से काठमांडू जा सकते हैं। और बस स्टैंड यहाँ पर ना मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, हर जगह साफ सुथरे, ऐसे ही जो है बस पार्क बने हुए हैं।
बज रहे हैं, आप नज़ारे देखिए, उस साइड बहुत ही प्यारा सा सनसेट हो रहा है, बाकी तो एकदम जंगल वंगल दोनों तरफ। एंड जो 9600 की सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगती है वो है ये वाली लाइट। डैशबोर्ड तो बहुत मस्त बना है, अच्छा। शाम के 7:30 बज रहे, पहुंच गए हैं इटाहारी और कहीं पे कोई स्टॉप नहीं है, जस्ट ये रुकवाया है गाड़ी को दिखाने के लिए। तो यहाँ से भी जो है आप काठमांडू जा सकते हैं, उसका फेयर लगभग 2000 या 2500 नेपाली रुपए, इंडियन 1250 के आसपास मान लीजिए तो वो लगेगा। लेकिन आप बहुत ही लग्जरी बस में जो यहाँ से काठमांडू जा सकते हैं, आपकी नींद बीच में टूटेगी नहीं, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मकाई, हालांकि काफ़ी पहले सिका हुआ है, थोड़ा पुराना लग रहा है बट ठीक है। एंड इंडियन रुपये मोस्टली यहाँ पे नेपाल में सब लोग लेते हैं, उन्होंने बोला कि छोटा 30 का है नेपाली रुपये और बड़ा 50 का, मैंने बोला इंडियन, तो बोला कि इंडियन 20 रुपये देना। अच्छा, भुट्टा भले ही पुराना हो या ठंडा हो, था बहुत अच्छा। यहाँ पे जो नमक है ना वो अच्छा देते हैं, थोड़ा जो भुट्टे का पत्ता होता है ना उसी में बांध के देते हैं। एनीवेज कंटिन्यू करते जानी, नेपाल का जो खाना है ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो डिनर करने अगर किसी जगह रुकते हैं तो खाना दिखाता हूँ यहाँ का। अच्छा, बस की जो लाइटिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अच्छा, यहाँ पे लिया ठंडा पानी, हालांकि बस में पानी वानी तो है लेकिन क्या ठंडा पानी जो इस गर्मी में काफ़ी काम करती है इस बॉडी को चलाने में। जो भी है इसका प्राइस मैं बता देता हूँ, दिस इज़ 25 नेपाली रुपीज़, बट मेरे पास नेपाली रुपीज़ है नहीं तो मैंने उनको 20 इंडियन दिया। बस निकलते यहाँ से, बढ़ते हैं काठमांडू की ओर। अच्छा, अभी फिलहाल रात के 8:30 बज रहे हैं, हम अभी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के एकदम नजदीक से चल रहे हैं। उस साइड है बिहार का भीमनगर, यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं, वहीं पर है ना। हाँ, ये वेलकम टू इंडिया, ये बॉर्डर के बिल्कुल सट के चल रहे हैं अपन, और अभी सामने एक बैरेज आने वाला है। अच्छा, फिलहाल बज रहे रात के 8:50, अपन पहुंचे हैं कांचन रूप। यहाँ पे दिया है हमने अपना हॉल्ट, आई थिंक यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ, ऐसा फीलिंग आ रहा है। जब मैं जा रहा था ना काठमांडू से सिलीगुड़ी, आई थिंक कि तब मैं यहाँ पे रुका हुआ था। एनीवेज अभी जो है डिनर करने की बारी है, ये अपना होटल है। बाकी बस चल रहा है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, कोई साउंड नहीं, एकदम स्मूथ चल रहा है, पिकअप बहुत बढ़िया है, खास करके क्योंकि 2-लेन रोड है ना तो पिकअप थोड़ा चाहिए होता है टाइम मेंटेन करने के लिए, तो वो चीज़ जो है इस वाले बस में पूरा हो पा रहा है। मतलब मैंने देखा जो बसेस काकरविट्टा से दोपहर को 2:30 निकले थे उनको भी ओवरटेक किया, और हम निकले थे वहाँ से शाम को 5 के आसपास, तो सोच लीजिए ये बस लेंगे ना आपको फ़ायदा पता चल जाएगा। एनीवेज भूख लग रहा है, थोड़ा कुछ खाना वाना खाते हैं। अच्छा, अभी जो है मैं डिनर करने बस के क्रू के साथ ही बैठा, अनुभवी कैप्टन से हमारे साथ आज ग्रीन लाइन के, ये विकास दा है हमारे साथ और ये जो है हुसैन दा है। ये जो है रोटी दाल ये सब खा रहे हैं, हम जो है थाली खा रहे हैं, यहाँ पे थाली एज बहुत चलता है, हर होटल में आपको थाली टाइप का मिल जाएगा, बाकी खाओ खाओ कोई असुविधा नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए चावल है, साथ में जो है प्याज और आलू चोखा टाइप का कुछ है, फिर यहाँ पे एक स्पेशल चटनी है, नेपाल में कहीं पे भी मैं रुका हूँ ये चटनी ज़रूर देते हैं, फिर यहाँ पे सैलड है, थोड़ा दाल दिया है इन्होंने एंड साथ में जो कुछ सब्जी वगैरह है। बाकी रेस्टोरेंट का खाना जितना उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छा है, दाल चावल और ये दो चीज़ें, एक तो ये आलू चोखा प्याज और एक ये चटनी, इतना ज़बरदस्त कॉम्बो है ना क्या बताऊँ।
पिछली बार जब मैं नेपाल आया था हर जगह मैं ये थाली खा रहा था। खाना जो है यहाँ का काफ़ी बढ़िया है जैसे उन्होंने बताया, एक बार चिकन भी ट्राई कर लेते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया है, ग्रेवी ना इसकी बहुत ही अलग है। अच्छा जी, रात के 9:15 बज गए, डिनर हो चुका है एंड डिनर बहुत अच्छा था। मतलब पूरे नेपाल में मैं जहाँ जहाँ पे भी रुका हूँ, मुगलिंग काठमांडू के बीच में भी कई बार रुका था, तो खाना ना यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। होमली स्टाइल भी है, ऐसा भी नहीं है कि मसालों से मतलब भरा हुआ है, एकदम होमली स्टाइल है, खाने में लाइट है, यहाँ पर खाने में मज़ा आता है ये मैं बोलूँगा। खास करके जो चटनी रहता है या जो स्पेशल चीज़ रहता है उनमें मज़ा आता है। अच्छा प्राइसेस बता दूँ, यहाँ पे जो चिकन थाली है उसका प्राइस है 350 और जो फिश और मटन है वो है 400 का। ये सब नेपाली प्राइस है, आप सोचिए मत कि ज़्यादा है, एक्चुअली में काफ़ी कम है कंपेयर करेंगे तो। एंड खाना जो है मोस्टली चीज़ें अनलिमिटेड है, जो भी आपको दाल चावल चाहिए वो सब आपको रिफिल करके देंगे, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, अपना काफ़ी सफ़र बचा है, कभी बस में वापस बैठ जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं जर्नी। अच्छा फिलहाल के लिए जो है थोड़ा सा मैं रेस्ट लेने वाला हूँ, फिर से आपको कैबिन राइड दिखाऊंगा जब विकास दा जो है चार्ज लेंगे, अभी तक जो है होसेन दा चला रहे थे, तो ठीक है मिलते हैं रात को कहीं। बाकी जी अभी तक हम आए 180 किलोमीटर, रात के 9 बज के, मतलब टोटल 6 घंटे का टाइम लगा, बट ठीक है। बाकी मज़ा ना आपको सुबह कैबिन राइड्स में आएगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। अच्छा अभी बज रहे हैं रात के 11:30, हमने लिया था एक छोटा सा बायो ब्रेक, आगे से लेफ़्ट की ओर चला जाता है जनकपुर और राइट की ओर काठमांडू, लेकिन राइट नहीं जाएंगे क्योंकि वो छोटा रोड है, गाड़ियाँ जाती है बस, हम सीधा जाएंगे फिलहाल। और अभी जो है ड्यूटी चेंज हो गया है, बिकाजा बैठ गए और आगे थोड़े जंगल वंगल आए गए, तो थोड़ा सा आप राइट देखिए। गाइज रात के 2:15 हो रहे हैं, मुश्किल रास्ते आने चालू हो गए, फिर भी वॉल्वो जो है 80 के नीचे बात नहीं कर रही। इन बसों की हालत देखिए, ड्राइवर खुद बोल रहा है कि भाई हम 40 पे चलते हैं। और यहाँ पे सामने एक मंदिर है, वहाँ पे पूजा करने के लिए रुके हुए हैं। रात के फिलहाल 2:30 बज रहे हैं, हमने लिया एक छोटा सा चाय ब्रेक, चाय वॉशरूम ब्रेक, पहाड़ों में तो ज़रूरी है। एनीवेज जब टाटा में आते थे, मतलब ग्रीन लाइन की पहले टाटा बस चलती थी, तब ये सुबह 5 या 6 बजे आता था, अभी बस वॉल्वो का कमाल है। जो भी है यहाँ पे पंप पे रुके, हालांकि डीजल तो डलवा नहीं रहे, मगर मैं दिखा देता हूँ डीजल की जो प्राइस है वो है 148 रुपीज़, कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, 148/1.6 तो 92 का जो है यहाँ पे डीजल मिल रहा है। एंड वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है चाय वाय के। एनीवेज एक चीज़ नोटिस किया होगा तो बताएगा, मैंने हर इंटरनेशनल ट्रिप इस वाले शर्ट में चालू किया है। पिछली बार नेपाल बोलिए, श्रीलंका बोलिए, फिर इस बार का बांग्लादेश बोलिए, थाईलैंड बोलिए, हर ट्रिप में जो ये वाला शर्ट था, पिछली बार नेपाल में भी ये शर्ट था, अब की बार नेपाल में भी ये शर्ट है। अब कोइंसिडेंस है कि लकी शर्ट है पता नहीं, बट हाँ अच्छा लगता है मेरे को कि कहीं निकल रहे हो फर्स्ट दिन जो है ये वाला शर्ट पहनो। निकल गए फिलहाल वहां से और जगह का नाम था हेटौडा।
और ये वही जगह है जहाँ पे बसेस अक्सर खाना खाने के लिए रुकती है, और नज़ारे यहाँ के बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और उससे भी ज़्यादा प्यारी मुझे लग रही है फिलहाल विकास दा की ड्राइविंग। बहुत ही बढ़िया चल रही है यहाँ पे बस। जब मैं DTC के वॉल्वो B7R में आया था तब भी इतना बढ़िया फील नहीं था, तब भी जो है स्लो स्लो चले हुए थे, अभी बस 80 के नीचे बात नहीं कर रही। और देख लो बरसात का मौसम है, ये साथ में चला हुआ है त्रिशूली रिवर, पानी जो इसमें भरपूर है फिलहाल। अच्छा सुबह के 6:30 बज रहे हैं, हम नोविसे से पहले रुके 20 मिनट के ब्रेक पे, ब्रेक दिया गया फ्रेश होने के लिए। अनबिलीवेबल, मतलब 6:30 बजे नोविसे, मैंने सोचा नहीं था कभी, मुझे लगा था आज के काठमांडू पहुंचने में 10-11 हो जाएंगे, बट भाई साहब जो चला के लेके आया ना, और विकास दा का ड्राइविंग देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाकी देखिए ये ढाबा कुछ ऐसा है, ये ढाबा आई थिंक थोड़ा अच्छा होना चाहिए क्योंकि सुबह का टाइम है, लोगों को वॉशरूम जाना होगा। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, बारिश का मौसम है ना, तो हर जगह जो है क्लाउड्स है। मैं भी थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरा दिन बहुत लंबा है, मुझे आज ही रात को सिलीगुड़ी पहुँचना है। भाई साहब ट्रैवल व्लॉगर की लाइफ है। अच्छा जी थोड़ा फ्रेश में हो लिया, अब चलते हैं देखते हैं ब्रेकफास्ट में यहाँ पे क्या क्या है। कैसा है आप? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, नई गाड़ी निकला है। और खाने में क्या है ये तो बताओ? खाना में समोसे है, रोटी है, फ्राइड राइस है, मैगी है, चना अंडे है। चना अंडे और ये सब्जी, छोले दो, दो छोले छोले। और ऑब्वियसली कोई चीज़ कहीं की फेमस हो तो वो कैसे हम छोड़ दे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया छोले, बॉयल्ड एग नहीं लिया, रहने दिया, और साथ में जो है कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया बनाई है। छोले टेस्ट करके देखता हूँ, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है एकदम, मतलब मसाले कम है, हालांकि दिखने में लग रहा होगा कि मसालों से भरा हुआ है मगर ऐसा नहीं है, बहुत ही हल्का टेस्ट आ रहा है मसालों का। बाकी ना लाइट ब्रेकफास्ट के हिसाब से ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, एंड काठमांडू है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर, पर रोड आगे काफ़ी ख़राब है, काम वाम चल रहा है टनल का, तो 1 घंटा जो है इसमें लगेगा। एंड रेस्ट स्टॉप की बात करें, रेस्ट स्टॉप बढ़िया था, खाने के बहुत ऑप्शंस है, एंड वॉशरूम वगैरह भी ठीक ठाक है। बाकी जी आज मैं 2 लैंग्वेजेस में ब्लॉग कर रहा हूँ, एक साथ बंगाली और हिंदी, तो कहीं अगर गलती हो रहा है तो माफ़ करना, कंटिन्यू करते हैं बाकी की जर्नी। राम्रो हुन्छ।
ভাই কাজ করবে না বলছি তো তুমি আমার ট্রাই মারা আছে চলো আমার চলো হ্যাঁ তো দূর পড়াবো কত দৌড়াতে তিনটা ফিফা কে টপ হয়ে তিনটা জি তিনটা ফিফা রাই মিচি মিচেরি মিচেরি একটা জায়গা থেকে টপকে দিয়েছি দেখ নাকি अच्छा इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं चंद्रगिरी और यहाँ पे जो है हल्की फुल्की बारिश हो रही है बाकी उस साइड कहीं पे चंद्रगिरी हिले अब इतना जो है क्लाउड से क्या आपको दिखेगा नहीं ऊपर जो है एक टेंपल है साथ ही साथ बहुत सारी फन एक्टिविटीज है तो जो लोग भी नेपाल घूमने आ रहे हैं उनके लिए वन डे का टूर वहाँ पे बनता ही है अच्छा ऑलमोस्ट पहुंच गए हमारे लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट स्वयंभू में यहाँ पे धूप निकल आई है टेम्परेचर हो रहा है 23 डिग्री और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है स्वयंभू नाथ भला कोड चलिए जी पहुंच चुका हूँ स्वयंभू आपसे बहुत सारी बातें करनी है सबसे पहले बता दूँ सबसे पहले तो मैं जो नेपाल के व्यूअर्स हैं उनको बोलना चाहूँगा नमस्ते कौस्तुन उंजा दूसरी बात बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि नेपाल में मेरे बहुत व्यूअर्स हैं मेरे पास एनालिटिक्स आता ही है तो मैं आपको मिलने नहीं बुला पाया या मैं आपके लिए कुछ वीडियोज़ नहीं बना पाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा मैं ज़रूर बनाता यहाँ से जनकपुरिया यहाँ से पोखरा पोखरा से मुक्तिनाथ बहुत मन है बट वो सब मैं करूँगा थोड़ा सा ये बारिश का सीज़न हट जाए मे बी इन अक्टूबर और नवंबर ये मेरा वादा रहा आपसे कि मैं वापस नेपाल आऊँगा मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरे को जाना था नॉर्थ ईस्ट ये जो था ये मेरे प्लान में था भी नहीं ये लकीली या ये मैं कह सकता हूँ फॉर्चुनेटली हो गया दूसरी बात मेरे को वापस अभी घर जाना है मैं नेक्स्ट वाला ब्लॉग आपको दिखा दूँगा मैं यहाँ से फ्लाई करूँगा भद्रापुर और फिर वहाँ से मैं बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा क्योंकि सिलीगुड़ी पहुँचना है मेरे को रात तक ये वाला वीडियो एडिट भी करना है और कल मेरे को सुबह वंदे भारत पकड़ना है गुवाहाटी के लिए क्योंकि कल दोपहर को गुवाहाटी से मेरी बस है और वो बस ऐसा है कि उसके आगे सब प्लान फ्लॉप हो जाएगा अगर वो नहीं पकड़ पाया तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे रुक गया तो अगले 20 दिन के जो प्लान है टिकट से सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे इसलिए आज मेरे को रिटर्न जाना पड़ रहा है बात करें सर्विस की सर्विस है एक नंबर ग्रीन लाइन की किसी को कोई भी दिक्कत होने नहीं दी अच्छे अच्छे जगह पर रुका है फिर ऑलमोस्ट 3 या 4 स्टॉप्स दिए वॉशरूम्स वगैरह काम चलाने लायक थे बाकी वॉल्वो 9600 में एक अलग ही बात है सेफ्टी फीचर्स बहुत है मतलब आप सोचिए ये फंक्शन से कि अगर गाड़ी पहाड़ में चढ़ रही है किसी वजह से अगर रुकना हो तो पीछे वो मतलब पीछे वो चली नहीं जाएगी फिर हाइड्रोलिक लिफ्टिंग फंक्शन है जिसमें अगर कोई गड्ढा वड्ढा हो तो उसमें बस का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ जाएगा बस बेसिकली थोड़ा ऊपर चला जाएगा वही देखने के लिए लोग जो है बेसिकली इकट्ठा हो रहे थे एंड एनीवेज ये एरिया जो है ये है स्वयंभू यहाँ पे मैं रुका हुआ था पीछे वाले गली में एक हॉस्टल है काफ़ी सस्ता और अच्छा है बाकी यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स है यू नो दिल्ली वाराणसी पटना गोरखपुर हर जगह की जो है बस सर्विस है यहाँ पे बाकी फ़िलहाल मैं इनके साथ थोड़ी सी बातें बातें करके आज रवाना हो जाऊँगा क्या है कि किस्मत ही ऐसा है नेपाल इतना खूबसूरत है और वहाँ पर मैं नहीं रुक रहा एक तरह से नेपाल आके ये चीज़ मैं पाप कर रहा हूँ और रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में आया मतलब टाइम बहुत ही कम लगा इसमें दिल्ली काठमांडू में जैसे बहुत टाइम लगता है इसमें वैसा नहीं है वो रोड भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ख़राब है तो अगर आप आ रहे कहीं से भी प्रेफर करिए सिलीगुड़ी काठमांडू सर्विस लीजिए सब डिटेल्स जो है कैप्शन में दे रखिए और जो कम टाइम में आए उसका क्रेडिट मैं दोनों एक्सपीरियंस कैप्टन को देना चाहूँगा ग्रीन लाइन के टॉप कैप्टन है आई थिंक आप ड्राइविंग देख के समझ ही गए होंगे अच्छा यहाँ पर है DTC की वॉल्वो B8R ये भी BS6 है और इसमें भी वही लेदर वाली सीट्स हैं ये भी काफ़ी अच्छी है बट ये है कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलती हैं टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वो हफ्ते में डेली चलेगी बाकी तो चलो इसकी जर्नी भी मैंने कर रखी है तब 31 घंटे लगे थे इस बस में नहीं पुराने वाले बस में अच्छा ये है स्वयंभू का बुद्धा पार्क एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है दुर्भाग्यवश आज का व्लॉग मुझे यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा बुरा लगता है कई कई जगह मतलब इतने अच्छे होते हैं ना कि वहाँ पे उस जगह को छोड़ना बहुत बुरा लगता है तो आज का दिन बिल्कुल वैसा ही है बट क्या है कि मेरे पास उपाय नहीं है मेरे घर से भी मेरे को टाइम रेस्ट्रिक्शंस होती है उसी में जो है काम करके वापस घर लौटना पड़ता है जो बस की फ्यूल कैपेसिटी है वो है 425 लीटर लगभग वही जो है डलवा के लाए थे अभी ऑलमोस्ट 200 लीटर के आसपास बचा है जो भी हो सफ़र में काफ़ी मज़ा आया मैं इस वक्त यही बोल सकता हूँ जो हमारे विकास दा की ड्राइविंग है वो बिल्कुल देखने लायक है
हुसैन दाने भी काफ़ी अच्छा चला, मतलब कैप्टन्स मेरे को इस जर्नी में बहुत ही मज़ेदार मिले। एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्रीनलैंड के सभी स्टाफ का जिसने ये वीडियो बनाने में मदद की, और ग्रीनलैंड को भी कि उन्होंने सिलीगुड़ी से डायरेक्ट वॉल्वो सर्विस दे दी, इससे जो नेपाल के लोग हैं वो भी दार्जिलिंग सिक्किम घूमने जा सकेंगे या फिर काम से जा सकेंगे, और इंडिया के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे घूमने आ सकेंगे। और डेफिनेटली एक बात मैं कहूँगा, जिन लोगों ने ढाबे वाबे में हमारी बस देखी उन्होंने भी ये बात बोली कि इस बस में बैठने के बाद आदमी लेलैंड टाटा में दोबारा नहीं बैठना चाहेगा। और अपनी ओर से मैं ये चाहूँगा कि भारत और नेपाल की जो दोस्ती है ना वो ज़्यादा मजबूत हो, और ग्रीनलैंड भी काफ़ी अच्छा ऑपरेटर है वेस्ट बंगाल का, मतलब उनकी और स्लीपर बसेज आ रही है, वॉल्वो 9600 आ रही है, कुछ कैनियाज भी उन्होंने रिसेंटली लिए हैं, तो समझ सकते हैं कि आपकी जर्नी एक रिलायबल ऑपरेटर के साथ ही होगी। तो चलिए जी, यहाँ पे स्वयंभू में ही आके मैं अभी चाय पी रहा हूँ, एंड और दिक्कत मेरे को ये हुई कि इंडिया से मैं कैश लेना भूल गया क्योंकि एक ही दिन का ट्रिप था, तो मैंने सोचा छोड़ो, तो अभी जस्ट क्रेडिट कार्ड से मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली भद्रपुर की, अब वहाँ से चला जाऊँगा, वो नेक्स्ट वाला ब्लॉग होगा, और फिर बाकी का बांग्लादेश सीरीज अपन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कैफ़े जहाँ पे फ्री वाईफाई है, एंड नेपाल पे मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे मोस्टली ऑल जगह ऑल रेस्टोरेंट्स ऑल कैफ़ेज़ में फ्री वाईफाई की सर्विस है। फिलहाल चाय पी रहा हूँ, एंड एक वीडियो मेरे को एडिटिंग पे डालनी है, फिर रेंडरिंग करके मैं निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए। आपका ये व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली ये जो सर्विस है ग्रीन लाइन की, ये आपके लिए रिकमेंडेड है। अगर आप टूरिस्ट होके आते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कई कई जगह हो सकता है वॉशरूम थोड़ा गंदा लगे, बट इस रूट में जो जो बेस्ट दुकान है उसी पे रोका है, खाना वगैरह सब कुछ बढ़िया है, प्राइसेस ठीक ठाक है, एंड सबसे बड़ी बात कि आप सिलीगुड़ी से नेपाल एक बहुत ही चीप प्राइस पे आ सकते हैं, वही प्राइस जो टाटा या लेलैंड में लगता है। आइए काठमांडू, आसपास घूमिए, काठमांडू में दर्शन करने के लिए पशुपतिनाथ जी का टेम्पल है, वहाँ पर बहुत लोगों का इच्छा होता है आने का, और बाकी पोखरा, फिर जॉमसम, मुक्तिनाथ, बहुत जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, फिर चितवन नेशनल पार्क। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं सब कुछ घूम के गया था, बट हाँ जैसा मेरा वादा था कि अक्टूबर नवंबर में मैं फिर आऊँगा, अब की बार के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, नेपाल के जो व्यूवर्स है लिख देना कि भाई हमने माफ़ कर दिया। चलता हूँ फिर, नेक्स्ट वाला व्लॉग जो है बुद्धा एयर का होगा, नेपाल्स बेस्ट एयरलाइन, जस्ट टिकट बुक किया है मैंने। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।